YouTube इंडस्ट्री में एक ऐसा इंसान जिसके वीडियो अपलोड होते ही मिलियंस ऑफ व्यूज एंड लाखों सब्सक्राइबर मिल जाती है। यस, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर विस्ट की। नो डाउट इसका कंटेंट तो टॉप नॉच होना ही है, क्योंकि इन कंटेंट को इनहेंस करने के लिए वीडियो एडिटिंग को स्मार्टली यूज की गई होती है। तो आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ मिस्टर विस्ट की एडिटिंग सीक्रेट। और मजे की बात यह है कि इन एडिटिंग को हम मोबाइल में करने वाले हैं, तो क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं, ये देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखो। इस वीडियो में नॉट जस्ट इनसाइट बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ट्यूटोरियल देखने को मिलने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं मिस्टर विस्ट की वीडियो देख रहा था, तभी मुझे ए वाला क्लिप मिलती है। इसमें तुम देखोगे तो जो टेक्स्ट है वो एक पर्सन के पीछे पॉपअप हो रही है, जो देखने में काफी सही लग रहा है। सो लेट्स डू इट। ओके, तो कैपकट में एक वीडियो क्लिप को ऐड कर लिया हूँ। अब सबसे पहले अपने टेक्स्ट को ऐड करूंगा। सो क्लिक करता हूँ टेक्स्ट पे और अगेन ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके एक कोई सा भी टेक्स्ट को ऐड कर लूंगा और इधर से फॉन्ट को भी चेंज कर लेता हूँ। नाउ ओके करके इसकी टाइमलाइन को वीडियो के ड्यूरेशन जितना कर लेता हूँ। तो बस अब वीडियो को सेव कर लेना है। सो यहाँ पे क्लिक करके सेव कर लेता हूँ। जब वीडियो सेव हो जाए तो एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट बना के उसी वीडियो टेक्स्ट वाला वीडियो को ऐड कर लूँगा। अब करना ये है कि ओवरले पे क्लिक करके सेम बिना टेक्स्ट वाला वीडियो को ऐड कर लूँगा। अब जब भी ओवरले पे वीडियो को ऐड करोगे तो वो फुल स्क्रीन नहीं होती है, तो उसको इस तरीके से फुल स्क्रीन पे एडजस्ट कर लेना। अब इतना हो जाए तो यहाँ से इन सब को साइड करके कटआउट में जाना एंड क्लिक करना रिमूव बैकग्राउंड पे, और थोड़ा देर वेट कर लूँगा क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो रही है। जब बैकग्राउंड रिमूव हो जाए तो एक बार मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो मिस्टर विस्ट जब भी पैसे की बात करता है तो कुछ इस तरीके से टेक्स्ट को शो कराता है, विच लुक्स अमेजिंग। तो चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ सबसे पहले एंड इसका फॉन्ट को भी चेंज कर देता हूँ। अब इतना हो जाए तो इसको यहाँ पे मैं प्लेस कर लूँगा। अब जाऊँगा इस स्टाइल वाले सेक्शन में एंड यहाँ से मैं कलर ग्रीन ले लेता हूँ। अब इस स्ट्रोक पे क्लिक करके ब्लैक स्ट्रोक को ले लूँगा और इसकी साइज को अराउंड 16 कर लेता हूँ। अब एनिमेशन में जाके ये जूम इन वाला एनिमेशन को ले लूँगा। अब ओके करके इस टाइमलाइन को एडजस्ट कर लूँगा। अब सिंपली वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब एक और न्यू प्रोजेक्ट बना के उसी वीडियो को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइमलाइन को स्प्रेड कर लेता हूँ ताकि हम क्लियर काम कर पाएँ। अब इसको थोड़ा आगे करता हूँ और देखेंगे कि टेक्स्ट कहाँ से शो हो रही है। एज यू कैन सी कि यहाँ पे टेक्स्ट शुरू हुआ है, तो इस पार्ट पे कट लगा लेना है। तो नीचे एक स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगी, उस पर टाइप करोगे तो ये पार्ट अलग हो जाएगा। अब यहाँ से मैं बैक जाऊँगा एंड क्लिक करता हूँ इफेक्ट पे, अगेन वीडियो इफेक्ट पे, देन यहाँ पे सारा इफेक्ट शो हो जाती है। तो हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस ट्रेंडिंग सेक्शन में जाना एंड यहाँ से सेक इफेक्ट को ऐड कर लूँगा। तो तुम देख सकते हो कि सेक कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो अगेन इसी पे टाइप करूँगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो हो जाती है। तो यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, बस इतना हो जाए तो इसको ओके कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं एक वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। सो ओवरले पे क्लिक करके ऐड ओवरले पे क्लिक करूँगा एंड ए रहा वो वीडियो। ये तुम्हें YouTube पे इजीली मिल जाएगी जब तुम मनी फॉलिंग ग्रीन स्क्रीन लिख के सर्च करोगे। तो अब मैं इसका ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देता हूँ। तो जाऊँगा कटआउट में एंड देन क्रोमा की, और इस कलर पिकर को ग्रीन पे करके इंटेंसिटी में जाऊँगा और इसको फुल कर देता हूँ। तो तुम देख सकते हो कि ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो गया है। अब यहाँ से मैं ओके करके बैक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा मास्क में और यहाँ से सर्कल शेप को सिलेक्ट कर लूँगा, और इस सर्कल शेप के नीचे एरो बना है तो उसको थोड़ा सा नीचे करोगे तो कुछ इस तरीके से लुक आएगी। अब इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं बैक आके इस टाइमलाइन ड्यूरेशन को एडजस्ट कर लूँगा। अब मैं अगर इसको प्ले करूँ तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगी। तो इसमें एक और चीज़ कर सकता हूँ, लाइक यहाँ से मैं स्पीड में जाके थोड़ा सा स्पीड को इनक्रीज कर लेता हूँ। नाउ हेयर इज़ द फाइनल रिजल्ट। ओके, तो बिना बकवासबाजी के एक क्लिप देखो। अब मैं थोड़ा इस सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर तुम देखोगे तो इस वीडियो को जूम इन एंड जूम आउट की गई है जिससे ऑडियंस का अटेंशन ग्रेब रहे। तो इसको करने के लिए कैपकट में एक रॉ वीडियो क्लिप को ऐड कर लिया हूँ जिसमें कोई एडिटिंग नहीं हुआ है। लेट से मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो यहाँ तक प्ले होके इस पार्ट पे जूम हो, तो यहाँ से मैं एक की फ्रेम आइकन पे क्लिक करके एक पॉइंट को ऐड कर दूंगा। अब की फ्रेम दो पॉइंट से डिसाइड होती है, तो एक पॉइंट ऐड हो गया है बट एक और ऐड करना बाकी है। तो मैं इस पॉइंट से थोड़ा आगे जाऊँगा
और फिर इस वीडियो को दोनों हाथों से इस तरीके से जूम कर लूँगा जितना मुझे चाहिए। अब तुम देख सकते हो कि सक्सेसफुली 2.8 हो गया है और हमारा वीडियो भी रेडी हो गया है। सो प्ले करता हूँ। अब ये तो सिर्फ जूम इन हुआ ना, जूम आउट किधर है? तो देखो, जूम आउट करने के लिए भी सेम प्रोसेस लगती है। अगर तुम सोच रहे हो कि ये दूसरे पॉइंट से थोड़ा आगे आगे है और इस वीडियो को छोटा कर लूँगा तो उसमें उतना स्मूथ एडिट नहीं होगी, तो इसको बेटर करने के लिए मैं एक और पॉइंट ऐड करूँगा। और ये चीज़ इस दो पॉइंट को छोड़ के करना है क्योंकि वो जूम इन का पॉइंट है। अब थोड़ा आगे करके इस वीडियो को वापस जूम आउट कर लूँगा। एंड हेयर वी गो। ओके, तो जंप कट नाम सुन के डर मत जाना, ये भी एक तरह जूम इन एंड जूम आउट एडिटिंग ही है, बट इसमें प्रोसेस डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, इस क्लिप को देख सकते हो कि इसमें एकदम से वीडियो जूम इन एंड जूम आउट हो रहा है और इसको बोलते हैं जंप कट। और मजे की बात ये है कि इसको एडिट करना काफी आसान है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं सेम वीडियो को एड कर लिया हूँ। अब तुम जो भी पार्ट को जूम करना चाहते हो वहाँ पे कट लगा लेना है। कैसे? देखो, पहले तो मैं डिसाइड कर लूंगा कि किस पार्ट को मुझे जूम करना है। अब सिंपली इस पे टैप करोगे तो नीचे साइड में एक स्प्लिट ऑप्शन मिलेगी। अब इस पे क्लिक करोगे तो पार्ट अलग हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि इस पार्ट तक ही मैं वीडियो को जूम करूँ, तो यहाँ पे एक बार और स्प्लिट कर दूंगा। अब ये वीडियो हमारा अलग आ गया, अब हमें इसमें काम करना है। अब इस पार्ट पे क्लिक करके सिंपली इस पार्ट को जूम कर लेता हूँ कुछ इतना। नाउ हमारा जंप कट रेडी है। ओके, तो मिस्टर बिस्ट के वीडियो में सबसे ज़्यादा इंगेजिंग बनाती है तो वो है स्पीड रैंपिंग। और मजे की बात ये है कि ये चीज़ उसके सारे वीडियो में ही यूज की गई होती है। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं एक रॉ वीडियो क्लिप को ऐड किया हूँ, तो इसमें ट्राई करते हैं स्पीड रैंपिंग। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, बट मैं आसान तरीका बता देता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करता हूँ स्पीड पे, अगेन क्लिक करता हूँ कर्व पे। एज यू कैन सी कि यहाँ पे बनी बनाई स्पीड प्रीसेट मिल जाती है। लाइक मैं एक ट्राई करके दिखा देता हूँ। बेसिकली इससे होता ये है कि स्पीड को एकदम से बढ़ा सकते हो और एकदम से कम कर सकते हो। तो ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो इसी पे एक बार टैप करना। अब यहाँ पे तुम खुद से कस्टमाइज कर सकते हो, तो थोड़ा कस्टमाइज कर लेता हूँ। लाइक अगर इस पार्ट से ऊपर करोगे तो स्पीड इंक्रीज होगी और अगर इसको नीचे करोगे तो स्पीड स्लो होगी। तो मैं कुछ इतना कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस चलेगी, सो वेट कर लूँगा। एंड अभी प्ले करे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, सो अगर तुम मिस्टर विस्ट को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा कि उसके वीडियो में इस टाइप से कैप्शन पॉपअप होती रहती है बिकॉज टू हुक द व्यूअर्स। एंड आई एम फॉर श्योर कि इसका बेनिफिट तुम्हें अच्छे से पता होगा। सो इस टाइप के कैप्शन ऐड करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। द फर्स्ट इज ऑटो कैप्शन एंड सेकेंड इज मैनुअल कैप्शन। लेकिन यहाँ पे ऑटो कैप्शन एलिमिनेट होती है बिकॉज कैपकट में हिंदी लैंग्वेज ऐड नहीं किया गया है। अब हमारे पास है मैनुअल कैप्शन की ऑप्शन, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बैकग्राउंड और एक वॉइस ओवर को ऐड कर लिया हूँ। अब मिस्टर बीस्ट के जैसा कैप्शन ऐड करने के लिए तुम चाहो तो दो तीन वर्ड को यूज कर सकते हो या तुम सिंगल वर्ड को भी यूज कर सकते हो। तो वॉइस ओवर को सुन के वर्ड को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में एडिटिंग के वो सारे टेक्निक है। अब तुम क्लियरली सुन सकते हो कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला हूँ इस वीडियो में। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ से मैं बैक आऊंगा और क्लिक करूंगा टेक्स्ट पे। एंड अगेन यहाँ पे मैं ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ से मैं फटाफट से टेक्स्ट को टाइप कर लेता हूँ। इतना होने के बाद फॉन्ट में जाके कोमिका फॉन्ट को ले लूंगा और इसकी टाइमलाइन ड्यूरेशन को लाइक इतना कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारा पहला तीन वर्ड का काम फिनिश होता है। चाहो तो तुम एक एक वर्ड को भी ऐड कर सकते हो। अब मैं वीडियो को प्ले करके ये देखूंगा कि ये जो तीन वर्ड है वो कहाँ पे खत्म हो रही है। इस वीडियो में ओके, सो अब ये तीन वर्ड का काम यहीं तक है, तो इसके आगे दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से कट लगा लेना है। सो यहाँ पे मैं ट्रिम कर देता हूँ। अब इस आगे वाला पार्ट पे फिर दो तीन वर्ड को ऐड करूंगा। अब ऐड हो जाए तो वहीं फिर से काम करना है, आगे करके ट्रिम कर दूंगा जहाँ पे ये वर्ड फिनिश होगी। सो मैं यहाँ पे दो ही टेक्स्ट को ऐड करके बता रहा हूँ। अगर तुम फ्रीक्वेंटली इस प्रोसेस को वन बाई वन फॉलो करते जाओगे तो तुम्हारा कैप्शन व्यूअर को हुक करने के लिए रेडी हो जाएगी। इस वीडियो में एडिटिंग के वो सारे टेक्निक है।
ओके सो इस टाइप से एक्सप्लोजन इफेक्ट काफ़ी इजीली बनाया जा सकता है कैपकट के अंदर। तो सबसे पहले आना है यूट्यूब में और यहाँ पे सर्च कर देना है एक्सप्लोजन ग्रीन स्क्रीन, तो तुम्हें काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएगी। अब जो भी वीडियो तुम्हारे प्रोजेक्ट से मैच कर रहा हो उसको डाउनलोड कर लेना। अब डाउनलोड हो जाए तो बैक टू द कैपकट और यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगा उसी वीडियो को। अब इसके ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देते हैं क्रोमा की में जाके, और इसको जहाँ पे सेट करना हो वहाँ पे मैं सेट कर लूँगा। तो अभी कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये जो क्लिप देख रहे हो ना, ये काफ़ी इजीली बन जाती है कैपकट के अंदर। लेट से मुझे इस पर्सन को ट्रे करना हो तो यहाँ पे मैं एक स्टिकर ले लेता हूँ यहाँ से। अब इसकी साइज को एडजस्ट करके यहाँ पे मैं प्लेस कर लूँगा। अब नीचे कुछ ऑप्शन शो हो जाती है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड स्लाइड करना तो तुम्हें ट्रैकिंग करके ऑप्शन मिलेगी। सो क्लिक ऑन इट। अब सिंपली इस ट्रैकर पॉइंट को यहाँ पे मैं सेट कर लूँगा। अब इतना हो जाए तो स्टार्ट ट्रैकिंग पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है, तो थोड़ा वेट कर लेना है। अब देखते ही देखते कुछ ही सेकेंडों में तुम्हारा वीडियो रेडी हो जाएगी। सो नाउ प्ले करते हैं। ओके तो अगर तुम मेरे से पूछोगे कि मिस्टर बिस्ट की वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है, तो शायद मैं एक ही जवाब दूंगा, साउंड डिजाइनिंग। म्यूजिक प्ले होते होते एकदम से रुक जाना या फिर एक सस्पेंस म्यूजिक ऐड करना, यही सब चीज है जो ऑडियंस को हुक करके रखती है। प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे मैं एक वीडियो क्लिप को ऐड कर लिया हूँ जो कि मेरा प्रीवियस वीडियो का इंट्रो है। अब इस वीडियो को मैं प्ले करके सुना देता हूँ एक बार। टॉकिंग हेड वीडियो एडिट करना, टेक्स्ट रिवील टेक्निक, वीडियो में शेडो डालना। तो जैसे कि तुमने देखा कि इंट्रो में एक सस्पेंस क्रिएट किया हूँ, विच मीन की एक सस्पेंस म्यूजिक ऐड कर दो तो काफी सही फील क्रिएट होगी। सो क्लिक करता हूँ ऑडियो पे और फिर साउंड पे क्लिक करूंगा। अब इस फाइल पे क्लिक करके फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक कर देता हूँ। अब तुम्हारे डिवाइस में जितनी भी ऑडियो होगी वो सारा यहाँ पे शो हो जाती है, तो मैं ये वाला म्यूजिक को ऐड करूंगा। अब इस म्यूजिक में दो इमोशन है, एक सस्पेंस और एक नॉर्मल। तो जो नॉर्मल पार्ट है उसको स्प्लिट करके यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इस म्यूजिक में हमें कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है, तो एक बार मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। टॉकिंग हेड वीडियो एडिट करना, टेक्स्ट रिवील टेक्निक, वीडियो में शेडो डालना, स्प्लिट स्क्रीन टेक्निक, टेक्स्ट हाईलाइट टेक्निक। तो यहाँ पे ना म्यूजिक का जो वैल्यूम है वो मुझे कुछ ज़्यादा लगा, तो क्या करूँगा कि इस वैल्यूम में जाके इसको थोड़ा घटा लेता हूँ। इसी के साथ फेड इन एंड फेड आउट में जाके इसको कुछ इतना पे सेट कर लूँगा। इससे हमारा दूसरे म्यूजिक जब ऐड करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इतना हो जाए तो अगेन एक और म्यूजिक को ले लेता हूँ एंड इसको भी एडजस्ट कर लूँगा यहाँ पे, और एडजस्ट भी इस तरीके से करना है, और इसका भी वैल्यूम को सेम उतना ही रख लूँगा जितना ये आगे वाला म्यूजिक का है। अब अगेन फेड इन एंड फेड आउट में जाके और इसको भी सेट कर लूँगा। अब म्यूजिक तो ऐड हो गया, तो मैं थोड़ा आगे करके और यहाँ पे मैं साउंड इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं साउंड इफेक्ट को ऐड कर लिया हूँ एंड इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो इसी के साथ हमारा साउंड डिजाइनिंग कम्प्लीट होता है। टॉकिंग हेड वीडियो एडिट करना, टेक्स्ट रिवील टेक्निक, वीडियो में शेडो डालना, स्प्लिट स्क्रीन टेक्निक, टेक्स्ट हाईलाइट टेक्निक, साउंड डिजाइनिंग विथ डिफरेंट इमोशन। ओके सो अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो कंग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम वो एडिटिंग सीख गए हो जो पीसी वाले भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर तुम अपने एडिटिंग स्किल को और एडवांस बनाना चाहते हो तो अभी इन वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। मिलता हूँ तुम्हें, बाय।